तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हमारा बैग जो है उठ चुका है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:50। रखी मैंने, तो हमारा बैग उठ चुका है और सुबह के बज रहे हैं 6, बट आज हम 6 बजे ही निकल रहे हैं क्योंकि हमें अभी मतलब जाना है एक जगह जहाँ पे सुबह ही जाना है। तो चलिए, जहाँ चल रही हूँ लेके चलती हूँ आप लोगों को। लाइट तो ऑफ कर दो वरना पूरे दिन का आज टूर है तो हम बाहर ही रह जाएंगे। आज मैंने पहना है ये टॉप, एसी बंद है ना। तो आज मैंने पौनी भी बना ली है क्योंकि वहाँ गर्मी लगने वाली है ज़बरदस्त। और रात को ना हुई है अच्छी खासी बारिश यहाँ पर। मुझे ऐसे लग रहा था कि आज का हमारा प्रोग्राम जो वो कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल हुआ नहीं क्योंकि इस टाइम तक एकदम साफ मौसम हो गया। और यहाँ की रोड ऐसी है ना, सब जगह मतलब समुद्री इलाका है तो बारिश आती है बहुत जल्दी सोख लेता है पानी। मतलब जैसे अपने यहाँ कचरा कचरा हो जाता है ना, सब जगह पानी पानी इकट्ठा जमा हो जाता है, यहाँ नहीं ऐसा है। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे हाउस बने हुए, छोटे छोटे हाउस। तो यहाँ पर हम कोका कोला फैक्ट्री के आगे से ही जा रहे हैं, दिखाते हैं वहाँ से आपको अंदर तक का। किसी दिन वैसे टाइम मिलेगा ना तो मैं अंदर भी जा सकती हूँ, यहाँ पर बोल रखा है उन लोगों ने, होटल वालों ने, तो मैं तो कोशिश करूँगी कि अंदर जाके वीडियो शूट कर पाऊँ तो कर लूँगी, बट टाइम की प्रॉब्लम है क्योंकि रोज़ हम कहीं कहीं निकल जा रहे हैं। आगे हमें मिलने वाली है अपनी शिप और उस शिप पर बैठेंगे, फिर हम थोड़ी दूसरे द्वीप पर जाने वाले हैं हम। तो हम आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर लगी हुई है, पहुँच गए हैं हम अपने भाई जहाँ हमें जाना है, मतलब यहीं से हमें पकड़नी है शिप और अब हम अगले द्वीप समूह पे जाने वाले हैं। हाँ, ये लोग सब्जी का अपने इंतज़ाम कर रहे हैं, फिश पकड़ पकड़ के, ये देख सकते हैं आप लोग, लोगों की सब्जी यही है। यहाँ पर देखिए सूरज निकलने ही वाला है और हम वेट कर रहे हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का साधन सारा शिप और बोट ही है, बोट ही है और हम कहीं से नहीं जा सकते। दूसरे आइलैंड में जाने के लिए हमें कोई और साधन नहीं है ले देके, इन छोटे छोटे जो शिप है ना बस इन्हीं का सहारा है। तो हमारी वाली बहुत दूर है, अभी देखिए वहाँ से वो आ रही है, बस उसी की हमारी टिकट है। और टिकट ना पहले ऑनलाइन बुक हो जाती है या आप यहाँ भी करवा सकते हो, हमारे पांडे जी ने करवा रखी है क्योंकि हमारे पांडे जी बड़े होशियार हैं, बड़े मज़े ले रहे हो आके यहाँ पे मालदीव्स में, मस्ती कर रहे हो, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हो। आप प्लान बना लो ना, हर छुट्टियों में ले आया करो, हर समर वेकेशन में एक एक जगह बचाओ फिर। तो ये कह रहे हैं एक साल बचाओगे ना तब तुम्हारी एक ट्रिप हो पाएगी। मैंने कहा हाँ ये तो है, मतलब खर्चा तो होता है बाहर आने में। खैर कोई ना, हम इंडिया में तो घूम ही रहे हैं। अभी हम जून में शिमला गए थे, अभी जून आई नहीं तब तक हम दोबारा से अपनी ट्रिप बना लिए हैं। तो हमारी साल भर में दो दो ट्रिप हो ही जाती है, मतलब ये थोड़ी बड़ी ट्रिप हो गई। लेकिन अगला अगर भगवान जी चाहेंगे ना, माता रानी चाहेंगी, तो अगली ट्रिप हमारी और इससे भी बड़ी होने वाली है, है ना। मेरी शेयर ने उम्मीद लगाई है। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं बार बार पानी के ऊपर ना बना रही हूँ मतलब वीडियो, तो अगर मेरे हाथ से फोन स्लिप हो गया और इस समुद्र में चला गया ना तो मेरे पति देव मुझे छोड़ के ही चले जाएंगे, जाओ तुम यहीं पड़ी रहो अपने फोन के साथ। कह रहे हैं नहीं नहीं, आप नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, चाहे फोन पानी में भी चला जाए तब भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम टेंशन ना लो। वेट। और यहाँ सब कुछ वुडन का बना हुआ मिलेगा आप, हर चीज, मतलब ये स्टॉपेज है ये भी वुडन का ही बना हुआ है, लकड़ी का सब जगह। भाई यहाँ की जो साफ सफाई है ना, नीटनेस, वो देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सफाई अभी अपनाने की ज़रूरत है। हालांकि मैं इतनी सफाई करती हूँ, बट ये कह रहे हैं यहाँ वाले सफाई में तुम्हें फेल कर रखे हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है सीखने की। इतनी ज़्यादा सफाई है हर जगह, इतनी ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा नीटनेस, बहुत ज़्यादा, एक भी कहीं आपको कहीं गंदगी दिखेगी ही नहीं, बहुत साफ सब कुछ है।
हम लोग बैठ चुके हैं अपनी शिप में और बस अब हम चलते हैं। देखिए कहाँ चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता, इनको पता है यहाँ के नाम ही नहीं, पूरा पूरा मुझे तो नाम ही नहीं याद हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की करेंसी दिखाती हूँ आप सबको, देखिए डॉलर भी है और ये यहाँ का इसको क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, रुपया। ये हमें डॉलर दिया था, ये हमें मिला है वहाँ के रुपये चेंज है। दूसरी कंट्री से डर लग रहा है, पर कुछ बोल लेना। ये देखिए बनाना ही बनाना है, बहुत ज़्यादा बनाना ट्री है, बनाना ट्रीज, बनाना ही बनाना। हमें अभी एक भाई मिल गए थे जो कि बिहार के थे और ये इंग्लिश बोले तो वो हिंदी बोलने लगा, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मतलब जहाँ हिंदी वाले मिल जाते मैं तो खुश हो जा रही हूँ कि चलो अपने इंडिया के मिल गए हैं। और यहाँ जॉब करते हैं भैया, इन्होंने हमें अच्छे से गाइड कर दिया है कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो बस हम जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, लोग पैदल ज़्यादा चलते हैं और साइकिल से, मतलब बहुत कम गाड़ी से जाते हैं लोग, बहुत कम। तो ये कह रहे हैं अब गाड़ी लोग बंद कर रहे हैं, पैदल और साइकिल का ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान देते हैं लोग। मैं बोली मैं तो वहाँ पर सब्जी लेने में पीछे जाती हूँ तब भी स्कूटी से जाती हूँ, अब मैं भी अपनी आदत में थोड़ा सा ना पैदल चलने का डालूँगी, और चाहूँ तो मैं स्कूल भी, जितना हम स्कूल जाते हैं ना उससे तो ज़्यादा हम चल लिए, लेकिन स्कूल पैदल नहीं जाया जाता। अपने इंडिया का ना ऐसा बन चुका है कल्चर कि हर जगह सब लोग छोटी छोटी जगह के लिए भी गाड़ी उठा लेते हैं और स्कूटी उठा लेते हैं, जबकि बाहर ये चीज़ एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। सब लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तभी तो यहाँ की इतनी सुंदर सुंदर होती है लेडीज, पतली पतली एकदम, बिल्कुल मांस ही नहीं है, एकदम फिट, ज़ीरो फिगर। कि वो इतना फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, कल इतना समुद्र में वो नहा रही थी इतनी देर तक कि मतलब मैं सोच रही थी वो थक ही नहीं रही हाथ पैर मारते मारते। लाइन से बना हुआ है सब कुछ, बैठ के नहाने का, बैठ लेटने का, ये टब जैसा नहाने का सारा है, वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल बना हुआ है सब कुछ। और सब कुछ खाने का निकाल रहे हैं, कह रहे हैं शिकंजी बना देते हैं, शिकंजी पीते हैं, खाने का भाई फुल थोक में है। ये देखिए पीछे इतना अच्छा लग रहा है व्यू, मतलब सच में। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर अकेले, हम बीच में बैठ के शिकंजी पियेंगे, नींबू की शिकंजी आराम से, एकदम चिल्ड वाटर, मतलब हॉट वाटर चिल्ड वाटर सब हम लेके चल रहे हैं इस जंगल में। ऐसे लग रहा है हम वो वाले नहीं बन गए जैसे डिस्कवरी में एक बेचारा घूमता रहता था, कहीं भी बैठ के खा लेता था, क्या उसको बोलते हैं, एडवेंचर, एडवेंचर पे हम निकले हुए हैं। नाइफ तो नहीं लाए थे क्योंकि नाइफ ना फ्लाइट में अलाउड नहीं है, तो हमने ये तेज है हमारा स्पून, बस चाकू का ही काम कर रहा है। ये देखिए नींबू कट गया इससे, बस सब जगह जुगाड़ से काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसके बीज निकाल के बना लेती हूँ पीते हैं हम। ये है साथ में बीवी के रहने का फायदा, चाय बनाती चल रही है, कॉफी बनाती चल रही है, शिकंजी पिलाती चल रही है, है? देखो बढ़िया परफेक्ट नमकीन, सही शिकंजी, मजा आ रहा है पी के, क्या मजे ले रहे हो। और चिप्स निकाल ले, बस अब हम यहाँ से खा पी लिए हैं और अब हमारा यहाँ से डेरा जो है वो कूच हो रहा है, चलते हैं दूसरे टापू पे, बस टापू पे ही घूम रहे हैं, टापू टापू। यहाँ पर ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं दूसरे टापू पे,
क्योंकि ये एकदम ओपन है ना, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग ओपन है, यहाँ कुछ भी नहीं है कि हम मतलब अपना सिर ढक सके बारिश में। तो अभी हमें वहाँ पर दिख रहा है कुछ, और कुछ लोग भी उधर दिख रहे हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो समुद्री इलाका है, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ पे पता नहीं कैसे 10 मिनट में बारिश आ जाती है, 10 मिनट में धूप इतनी तेज हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग ना छाता वाता लेके अपना आए थे हिसार से ही, तो हमारे बैग में दोनों छाता पड़ा है, क्योंकि हमें तो जिसने गाइड किया था उन्होंने बोला था जो जो लेके आना वो हम सब लेके आए हैं अपना। तो बारिश थोड़ी सी तेज होने की लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा होने लग रही है। कोई पेड़ मिल गया इनको, गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं, ये फूल है कि फल है समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खाने का टह बस कुछ, बट ऐसे खा भी नहीं सकते हम, पता नहीं क्या है, पर सच में लगे तो गुच्छे गुच्छे ही है, फ्रूट है यहाँ का कुछ, आई डोंट नो। साइकिल देखो लगातार यहाँ पर जैसी साइकिलें हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइकिल की सवारी करते हैं, ये देखिए साइकिल ऐसे ऐसे साइकिल एक जैसी, आगे टोकरी है, यहाँ पर हम आ गए हैं। ये देखिए ये भी समुद्र के बीच में रिसॉर्ट बना हुआ है, अब यहाँ पर जाएंगे, बट हम थोड़ी सा रेस्ट करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, इसको तो प्लेन भी निकल रहा है, अभी जाएंगे पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थक गए हैं। और आया ये कॉक यहाँ पे, ये जगह जगह ना ये चारपाई सब बना रखा है रेल लेटने के लिए, इसमें कहीं भी थक जाओ तो लेट जाओ, हर जगह बना हुआ है ये, और ये ना इसमें लेट के आराम भी मिल रहा है, रिलैक्स एकदम हो रहा है, रिलैक्स है ना। जो हमारे यहाँ हमारे यूपी के भाषा में इसको खटिया बोल सकते हैं, खटिया भी है। अब हमारा जो है ना शिकंजी जो है वो मतलब बच चुकी है, तो हम यहाँ पे आ गए, छोटी सी शॉप है, तो नॉन वेज की हर जगह है, तो हम यहाँ पर ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मतलब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनवा रहे हैं। बता दिए भैया से ओनली हमारा वेज चाहिए, कोई भी नॉन वेज मिक्स नहीं होना चाहिए, तो भैया बिल्कुल ही वेज के हिसाब से ही बना रहे हैं, मिक्स चला रहे हैं। तो अब हम बस वो ले लेंगे, और हमारे पास पड़ा है कुछ खाने पीने का सामान, वो खा लेंगे, तो ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। स्ट्रॉबेरी शेक पर तैयार है हमारा, चिल्डर बहुत ज़्यादा चल रहे ना, आइस आइस काफ़ी मात्रा में डाल दिए, टेस्टी है। यहाँ से हम लोग स्ट्रॉबेरी शेक पी के फिर हम यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से मतलब हमारा दोबारा से वापस जाने का हो रहा है, तो हम यही आ गए हैं। हाँ कह रहे हैं यहाँ पे भी हर जगह चिकन और मछली है, फिश खाने को। मैंने कहा भैया मेरा धर्म रेस्ट हो जाएगा, तो कह रहे तुम अपनी धर्म लेके ही बैठे रहो, क्या करूँ जब नहीं कभी खाए हैं, तो हम तो नहीं खा सकते, मैं तो नहीं खा सकती, मेरे पास जो थाईलैंड में सामान है मैं वही खाऊँगी, और जहाँ वेजिटेरियन मिलेगा बस वही खा सकती हूँ, यहाँ मैं नहीं खा सकती। आपका जी करे तो खाओ, आपका दिल करे तो ना खाओ, पर मैं नहीं खा सकती। देख लो टैब दे दिया है उसको, ये इसका मेन्यू कार्ड है, टैब में देखते रहोगे। तो हम यहाँ पर लेटे लेटे वेट कर रहे हैं अपनी मतलब शिप का, कि हमें वापस जाना है, और आज हम ऐसे घूमने आए, हुर्रा का झुर्रा हमारा निकाल दिया बिल्कुल ही, इस जगह का नाम है हुर्रा, तो मैं ये कह रही हूँ हमारा झुर्रा निकाल दिया इसने, इतनी तेज़ धूप हुई है कहीं नहीं जाने का दिल कर रहा है। और अब हम यहाँ से वेट कर रहे हैं, अब हम वापस होटल जाएंगे बस।